हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस जॉब नोटिफिकेशन वाले वीडियो में जिस जॉब के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आई है एनएमडीसी लिमिटेड। एनएमडीसी लिमिटेड के अंडर आपकी पोस्ट आई है जूनियर ऑफिसर की, ठीक है, माइनिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की पोस्ट आई यहाँ पर। तो सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट आपकी कैसी है, मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को तो जरूर दबा देना ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी जॉब रिलेटेड वीडियो मैं YouTube में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जरूर मिल जाए। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जो भी यहां पर जॉब नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं तो पूरी डिटेल में उसकी एनालिसिस करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को 100-150 लाइक्स आप जरूर दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि फॉर्म को फिल करने के लिए जो पोर्टल में जाके हम फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं वो उसकी प्रोसेस भी हम आपको डिजिटली फॉर्म पर समझा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया एनएमडीसी लिमिटेड में जूनियर ऑफिसर की पोस्ट आई है। नाउ एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन बता देता हूं मैं, जो नंबर है इसका 02/2021 इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर है। जो नोटिफिकेशन डेट है आपकी 3 मार्च 2021 को आई है, यानी कि कल ही आपके ये फॉर्म आया हुआ है। नाउ यहां पर जो ये जूनियर ऑफिसर की पोस्ट निकली है, टोटल वैकेंसी के बारे में मैं बता देता हूं, यहां पर टोटल 63 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें जूनियर ऑफिसर माइनिंग ट्रेनी के लिए 28 वैकेंसीज, मैकेनिकल के लिए 17 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल के लिए 13 वैकेंसीज और सिविल के लिए यहां पर 5 वैकेंसीज है। यहां पर स्क्रीन पे आपको रिजर्वेशन बेस्ड जो सीट्स है वो भी आपको क्लियर दिख जा रहा होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नाउ यहां पर अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों के स्टूडेंट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर माइनिंग के लिए है तो माइनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए। बट अगर आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो यहां पर आप लोगों को डिप्लोमा वालों को हर केस में हर डिसिप्लिन में 5 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो माइनिंग में लिखा है मिनिमम 5 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर, तो यहां पर सिर्फ डिप्लोमा वालों को यहां पर 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है यहां पर मांगा गया है, डिग्री वालों के लिए ये नहीं मांगा गया है, तो ये अच्छी बात है, आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यहां पर अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो एज यहां पर मैक्सिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो 32 इयर्स होनी चाहिए। अब यहां पर क्योंकि एज लिमिट का आपको कोई कट ऑफ डेट नहीं दिया गया है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो भी ये फॉर्म निकाला गया है यानी कि 3 मार्च 2021 को आपकी मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए वो 32 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहां पर सेलेक्ट होते हैं तो डिग्री वालों को सब पहले 12 महीने के लिए ट्रेनिंग कराई जाएगी जहां पर उनको 37,000 रुपीज दिया जाएगा, और अगर डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो यहां पर सेलेक्ट होते हैं तो उन लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, उन लोग यहां पर 18 महीने की ट्रेनिंग होगी, तो 18 महीने की ट्रेनिंग में पहले के 12 महीने आपको 37,000 रुपीज दिया जाएगा, उसके बाद अगले 6 महीने में आपको 38,000 रुपए दिया जाएगा यानी कि 38,000, और एक बार आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है ये जब कंक्लूड हो जाएगा तो आपकी जो सैलरी होगी बहुत ज्यादा यहां पर अट्रैक्टिव है, 37,000 से लेकर 1,30,000 तक आपकी सैलरी होगी। इसका मतलब 37,000 आपका बेसिक पे होगा, उसमें डीए टीए सारे अलाउंस को अगर आप मिला देंगे तो मोर देन 60-70,000 आपकी सैलरी ऑन हैंड आपको दी जाएगी, ओके। नाउ यहां पर अगर आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा www.nmdc.co.in, यहां पर जाके आप करियर्स
पेज में जाएंगे और उसके बाद जूनियर ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप रिक्रूटमेंट, जूनियर ऑफिसर रिक्रूटमेंट की पोस्ट के लिए आप यहां पर अप्लाई कर देंगे। सारा ऑनलाइन प्रोसीजर जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भरते हैं वैसे ही आप यहां पर भर सकते हैं। अच्छा, और जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहां पर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहां पर क्या कर सकते हैं, उनको यहां पर 250 रुपीज, ठीक है, 250 रुपीज आपको यहां पर ऑनलाइन फीस लगेगा। एक बार आप ये ऑनलाइन फीस दे देते हैं तो उसके बाद आप क्या कर देंगे, फॉर्म आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा। जितने भी एससी एसटी या फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर कोई भी ऑनलाइन फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ और इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट भी मैं आपको बता देता हूं, 3 मार्च 2021 से ही इसकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है सुबह 10 बजे से, और जो लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की वो है 23 मार्च 2021 रात को 12 बजे से पहले। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 23 तारीख तक आप यहां पर वेट मत करिए, उससे पहले ही आप ये फॉर्म को फिल कर लीजिए। अगर आप डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, यहां पर कोई भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं एक और चीज बता दूं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो यहां पर आप लोगों का सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद आप लोगों का एक स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। आपका जो सिलेक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि आप सीबीटी में कितना स्कोर करते हैं, और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पर भी ये क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। इसके तो ये रहा पूरा का पूरा जॉब नोटिफिकेशन का एक डिटेल एनालिसिस। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं, बट मैं इसके लिए आपसे यही कहूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और पढ़ लें, ठीक है। नाउ यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर जाएंगे, वहां पर आप जेनिक लाइव ऐप को डाउनलोड करिएगा। जेनिक लाइव ऐप में आपके जो जॉब नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे तो इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में जाके आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा जो एनएमडीसी का कल हमने वीडियो बनाया था वो थ्रू गेट था, लेकिन ये एक अलग से एग्जाम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहां पर एग्जाम देकर सेलेक्ट होते हैं। और यहां पर मैं एक और चीज बता दूं कि ये परमानेंट बेसिस पे जॉब है, मतलब एक बार आपकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट होगी तो रेगुलर आप यहां पर परमानेंट पोस्ट पे आ जाएंगे, रेगुलर पे स्केल पे आ जाएंगे, ठीक है। सो ये रहा इस पूरे जॉब नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एकदम लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।